कर रहे होते आप तीसरा शुरू कर देते हो. Why? You're so fast, man. This is not good. बैठिए सर प्लीज. ओके आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग टू तमन्ना. कैन यू प्लीज गिव मी सम रोमांटिक लाइट. आई सॉरी तमन्ना. मैं उठ गया. मैं उठ के. अरे नहीं नहीं पाजी प्लीज. नहीं आप बीच में बैठो, हम रोमांस कर रहे हैं. नो नो आई जस्ट वांट टू आस्क तमन्ना. देखो हम इतनी बार मिल चुके हैं. जी कपिल. आई मीन मैं आपकी आंखों में देखता हूं. सर नहीं गोइंग. नो 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 प्लीज 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 वी नीड योर ब्लेसिंग. हम इतनी बार मिल चुके हैं, मैं आपकी आंखों में देखता हूँ. मुझे ऐसा कुछ लगता है कि आप कुछ कहना चाहती हैं. मैं मेरे से रहा नहीं गया. मैं आज पूछना चाहता हूँ. साफ साफ जवाब देना. आप कोई गोलमोल करने की जरूरत नहीं है. मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ. आप जो कहेंगी सच कहेंगी. सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी. जी बिल्कुल. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सच सच बताना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मेरे मन में ये सवाल चल रहा है 2 साल से, जब से फिल्म आई है. आप तो इस फिल्म की हीरोइन, आपको तो पता होगा. सीरियसली नहीं पता आपको कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मुझे मालूम है और आपको भी मालूम पड़ जाएगा. आपने नहीं बताना? नहीं. जाओ फिर. मैं जो कहना चाहता हूँ ना, आई लव यू. कपिल जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ. जी प्लीज. लेकिन वो रोमांटिक वाली लाइट चाहिए मुझे. सच्ची में? बंद ही कर दो सारी लाइट. अच्छा मुझे वहां पर आना पड़ेगा. मैं मुझे बुला लो. आप कहीं भी, ऐसी कोई बात ही नहीं है. अच्छा लेकिन आप मेरे, अभी आपने मेरा हाथ पकड़ा है. जी. आप अभी कहिए कि आप सच कहेंगे और सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे. मैं कहता हूँ मैं कुछ कह नहीं सकता और. यस तमन्ना. நீங்க இங்கே வர கதாநாயகி எல்லாரும் எப்படியே சைட் அடிச்சுப்பீங்களா? சாரி பிரபு சார் பத்தாங்க. பிரபு சார் இஸ்கா கே மத்லப் தா? ஒன்ஸ் மோர். நீங்க எல்லா கதாநாயகி இப்படியே சைட் அடிப்பீங்களா? ஓ கே போலீஸ் ஓவர் ஹீரோயின் கம்ஸ் ஹியர் லைன் மார்த்தே ரை. மேரி ஐசி மூட் லைட்டிங் கரவா தி தமன்னா. अब यार मेरी इमेज खराब होगी. तो मना मैं ऐसा हूँ नहीं वैसे. आई लव. मैं भी ये शो देखती हूँ. मैं हर शो में देखती हूँ. आई ओनली लव वन गर्ल एट वन एपिसोड. நீங்க நிஜமா 15 கோடி வரி கட்டுறீங்களா? ஓ You really pay tax 15 crores each year. It's a rumor with a fact. Bet here, sir, please. मुझे भी कपिल भाई ये क्यों ना, जब हम लोग फिल्म बना रहे थे मेरे जहन में भी एक सवाल गूंज रहा था कि प्रभु सर यू नो बड़े टाइम बाद फिल्म कर रहे हैं. जी. और उन्होंने रोल भी ऐसा चुना कि खूब रोमांस कर रहे हो उसके अंदर. हाँ क्यों ऐसा, मतलब 15 साल बाद इतना रोमांस क्यों करना चाहते थे प्रभु सर? एक्चुअली यू आर मिसिंग रोमांस सर. इट्स अ रोल इन द फिल्म इज लाइक दैट. आई डिडंट टेल विजय, आई मीन डायरेक्टर विजय टोल्ड. ओके अभी हीरोइन तमन्ना है तो रोमांस नहीं करेगा तो क्या करेगा? आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लुकिंग लाइक फ्रेश ऑरेंज जूस. आई मीन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. Prabhu sir, what do you like most? I mean action, dance, romance. Dance. तो जब आप तमन्ना के साथ इतने सालों बाद romance कर रहे थे, ऐसा गलती से होने कि आपका dance निकल गया हो? मतलब I mean you were supposed to do some romantic scene and your dance suddenly leak. ऐसा होता है सर कभी? No, then director is there to tell cut if I do wrong. अरे अगर डायरेक्टर कट नहीं बोलता तो क्या करते, भी पूछ लो. तमन्ना विल सेल कट. यू आर हिलेरियस रोमांटिक फ्रॉम इनसाइड. आई मीन यस ऑफ कोर्स. इवन यू आर अ डायरेक्टर,
You can say cut also. No, I never do that. When I act, chupcha se act karna. Yeah, that's true. Tamanna ne haal hi mein ek film ki thi, It's Entertainment. Unme inke saath jo star cast thi, usme dog bhi tha, bada pyara sa. Brown color ka. Inko pyar ho gaya kutton se. और एक छोटा सा पपी अपने घर भी ले आई. इज इट ट्रू तमन्ना? इट्स ट्रू. अच्छा, ये आपने कुत्ते के साथ काम किया और आपको अच्छा लगा, आप घर पे भी ले आई. कभी ऐसी फीलिंग किसी लड़के के लिए आई? आई मीन कि आपको किसी लड़के का काम बड़ा अच्छा लगा या वैसे अच्छा लगा और आप कहें कि तुम इसको घर लेके जाओगे? मतलब फिल्मों में नहीं हुआ, बट ऐसे मैं टीवी शो पे आई थी जी, तो मैं एक ऐसे लड़के से मिली थी, बट वो बहुत बिजी है टीवी शोज करते हुए, तो कुछ हुआ नहीं. तूने मुझे मार देना ऐसी बातें कर करके. पता क्या है, ये ना हीरोइन होती है ना, कह के चली जाती है ऐसे दो मिनट के लिए. मैं फिर लगा रहता पूरा साल कि तमन्ना ऐसा बोल के गई थी, पता नहीं अभी मुझे कांटेक्ट करना चाहिए या आई मीन. अच्छा, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, हमारे जितने भी दर्शक हैं, किस 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 की तमन्ना है कि उनकी शादी किसी फिल्मी हीरोइन से हो? कोई है? तो शादी की एक बात बताओ मुझे. हमारे शो में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ सूट में आते हैं, कुछ कैजुअल में आते हैं. आप कहाँ से हैं ब्रदर? जी मैं बिहार से आया हूँ सर. अच्छा, तो ट्रेन में आए, प्लेन में आए कि घोड़ी पे बैठ के आए आप? ट्रेन में आया सर. ये शेरवानी आपने कहाँ से पहनी है? जी मैं ईद में खरीदा था, तभी मैं पहन के आया. लेकिन वो आपकी फिल्म देखा था ना, किस किस को प्यार करो, तो फिल्म का याद आ गया मुझे. तो किसी ने बताया कि आपका शो है, मैंने सोचा कि चलो कपिल सर का शो में जाएंगे, तो आज ये ड्रेस में जाएंगे कि आपको उस दिन का याद आ जाए, वो फिल्म का. आई मीन मतलब आप कौन सी हीरोइन से शादी करना चाहते हैं? जी मैं तो कैटरीना कैफ से शादी करना चाहते हूँ सर. अच्छा जी सर, मतलब क्या है कि वो जो कैटरीना कैफ है ना, वो अंग्रेजी ज़्यादा बोलती है, इंग्लिश. तो मैं सोचा कि उसके साथ अगर मेरा सेटल हो जाए तो मैं भी थोड़ी इंग्लिश सीख सकता हूँ, कि अमेरिका उसके साथ जा सकता हूँ. नहीं, तुम तो इंग्लिश सीख जाओगे, उसका भी बड़ा कर रहे हो. उम्र क्या है आपकी? मेरा उम्र 22 है सर. अभी अभी की शादी की क्या पड़ी है तुम्हें? नहीं अभी की शादी कुछ नहीं पड़ी है, मतलब कोई लड़की पसंद आया तो शादी कर सकते, घर में सेटल कर सकते सर. बेस्ट ऑफ लक, जो भी आप चाहते हैं आपको मिले. ओके शुक्रिया. सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने कुछ गाना बनाए हैं जो मेरे दोस्त ने मिलकर बनाया है साथ में, तो हिंदी गाना का मैंने डबलिंग किया है इसमें, एक देशभक्ति के ऊपर. हिंदी गाने की किस में डबलिंग किया आपने? सॉरी सर, मतलब देशभक्ति के ऊपर मैंने गाना बनाया और एक स्टूडेंट के ऊपर मैंने गाना बनाया और कुछ शायरी भी मैंने बनाया है. तो मैं यहाँ पे क्या नहीं बनाया ये बता. बता ना, सब कुछ बना दिया. पहले मैं उसे शायरी बोलते थे जो मैंने आपके ऊपर बनाया है. मेरे ऊपर शायरी बनाई सर? मैंने इस शो प्लीज. हाँ सारी ऐसा है कि कोई शाम आती है कपिल जी आपकी याद लेकर. हाँ जी. कोई शाम आती है कपिल जी आपकी याद लेकर, कोई शाम जाती है कपिल जी आपकी याद देकर, मुझे तो इंतजार था उस शाम की जो आए आपकी शो को साथ लेकर. थैंक यू. दूसरा और एक है सर. पर ये वाला ठीक नहीं लगा आपको? मतलब आ रहे क्या, मतलब वो भी थोड़ा सुना देता हूँ आपको मैं. हाँ जी. तो मतलब आप खुद ही लिखते हैं सारा? जी सर, मैं ये सब बनाया हूँ और ये आपके ऊपर मैंने बनाया ये सारी. तमन्ना के ऊपर आपको अगर कुछ बोलनी हो इंस्टेंट आप कुछ लिख सकते हैं? सही, सबके ऊपर बना सकते हैं सर. अच्छा, तो तमन्ना जी के ऊपर मैं एक बना सकता हूँ सारी? बनाना. जी सर. चांद को चांदनी मुबारक हो, दिल को प्यार मुबारक हो. चांद को चांदनी मुबारक हो, दिल को प्यार मुबारक हो. इस शो में तमन्ना जी आए, मेरे दिल को बहुत बहुत मुबारक हो. और तुम्हारी ये शायरी तुम्हें ही मुबारक हो. आपको पता है आपको इस शायरी के लिए जेल भी हो सकती है. क्यों सर? अच्छा, प्रभु सर के लिए कोई शेर? हाँ, प्रभु सर के लिए वो भी बना सकता हूँ. बनाइए. चांद तारों की नूर आप पर बरसे, प्रभु सर के लिए. जी जी. चांद तारों की नूर आप पर बरसे, आपको देखने के लिए हर कोई तरसे,
आपकी जिंदगी में आए इतनी खुशियां प्रभु सर कि आपको देखने के लिए हर स्टूडेंट को तरसे। और मैं कहता हूं पुलिस वाले तुम्हारा पेन छीन लें और तुम लिखने को तरसे। क्या बात है क्या यार, कुछ भी मतलब। अच्छा सोनू बाजी के लिए कुछ, उनके लिए भी मैं बना सकता हूँ सर जी प्लीज। और अगर नहीं ठीक बनाया तो मैं वहां आके मारूंगा, बता रहा हूं। ओके सर, एक बटन खोल लो शेरवानी का, क्या पता कुछ अच्छा शेर बन जाए। चलेगा सर, ठीक है आप कहते तो फिर खोल ही देता हूँ सर। जी जी बना जी बना। खुदा की कसम खाती हूँ ऐसा सर। एक मिनट रुकिए सर, पहले तो शुरू करने दीजिए। शुरू हो रही है ना, आप वहाँ पे बैठ जाइए, मुझे डर लग रहा है। क्या क्या आपके अब गाएगा सर, अब बोल जी प्लीज प्लीज, आप आइए यहाँ पे आके बोलिए। आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर बैठाओ सर। खुदा की कसम खाती हूँ, खाओ तेरी कसम। सुनो सर पहले सुनिए, खाती हूँ कैसे, लड़की हुई ना। खाता हूँ तो खाती हो गई। नहीं मतलब मैं थोड़ा बोल दिया जास, में मतलब बोलना चाहिए खाता हूँ। अरे पर मेल तो मेल रहना, फीमेल मत बनना। कर ले, हाँ तो बोलिए आप। खुदा की कसम खाता हूँ, खाओ तेरी कसम। आगे बोलो सर। खुदा की कसम खाती हूँ, खाओ तेरी कसम। ऐ सोनू जी साथ निभाऊंगी जिंदगी भर मैं तुम्हारी। कमान है मेरे पास, तीर है, मैं क्या कर रही हूँ, निशाना लगा रही हूँ ऑब्वियसली। वैसे मैं एक्चुअली आपको बताऊँ, मैंने बाहुबली में देखा था, तमन्ना जी भी ऐसे ऐसे पेड़ पे चढ़ती हैं, फिर निशाना लगाने की कोशिश करती हैं, निशाना तो लगे ना लगे डजंट मैटर, पर हीरो उनको मिल जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर भी थोड़ी देर टाइम पास करूँगी, हो सकता है मेरा बाहुबली आ जाए। लगी रहे लगी रहे, दोबारा सतयुग आएगा ना तो आएगा वो। तुर पिटे मुँह तेरे। नहीं, नहीं, नहीं। क्या निशाना लगाया तूने, बेड़ा गर्क। इतनी दूर कैसे निशाना लगा लेती है, क्या निशाना लगाया ये? एक्चुअली निशाना नहीं, मैं यहाँ पर मैंने कुछ मच्छर उड़ते हुए देखे थे तो उनको ठिकाने लगा रही थी, और वैसे भी यहाँ पे मच्छर मुझे काटे जा रहे हैं, मुझे लव बाइट दे रहे हैं, प्लीज मुझे उतार लीजिए ना। अजी क्रेन वाले का नंबर है आपके पास? ये खुद भी क्रेन बन के जाती है। देखिए मैं आपको मौका दे रही हूँ जी, हो सकता है मैं नीचे आते आते ना ऐसे नॉर्मल मूवीज में आपने देखा होगा, लड़की उतर रही होती है सीढ़ियों से, वो फिसल जाती है, सीधा आपकी बाहों में आ जाती है, आंखों से आंखें मिलती हैं और प्यार, हो सकता है। You never know. आप नीचे आएंगी, मैं ऊपर निकल जाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आती हूँ ना। चलिए कोशिश करते, आइए आइए। ये तो मजा ही आ गया भाई। आप सोनू सूद हैं, ये फटा हुआ दूध है। ये जो कमाल की लाइन की मैचिंग की है ना आपने, वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा ये सोनू सूद है, मैं फटा हुआ दूध हूं, ये तमन्ना भाटिया है, मैं चिवड़ा घाटिया हूँ, ये सिद्धू जी हैं, मैं बुद्धू जी हूँ, आप कपू शर्मा हैं, मैं रहने दीजिए, शर्मा से बहुत गंदा वाला आ रहा है। शर्मा से क्या गंदा आ रहा है तुझे? अब जाने दीजिए ना, आपका तो शर्मा ही गंदा है। अब अनुष्का का देखिए शर्मा कितना अच्छा है, रोहित का देख लीजिए, रोहित शर्मा का शर्मा कितना अच्छा है, बस आप ही का गंदा है।
वैसे प्रभु जी, मैं सोच रही थी कि आपकी ये वाली फिल्म तो कंप्लीट हो गई है ना, तो अब क्यों ना आप मुझे लेकर बाहुबली 3 बना लें। आई थिंक तमन्ना हैज टू रेकमेंड टू राजमौली। एक्चुअली नो व्हाट, आई हैव अ ग्रेट आइडिया। जब मैं पहली बार राजमौली सर से मिली थी जी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एवरीथिंग इज गुड, आप एकदम रोल के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन आप थोड़ा वेट पुट ऑन कर लीजिए। आई थिंक उनको अपनी उनकी मनपसंद साइज की हीरोइन इनमें मिल जाएगी। अभी तो लोग बोलते ना कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये राजकुमारी बन गई तो लोग कहेंगे कटप्पा भल्लाल देव और 3,000 सैनिकों ने मिलकर राजकुमारी को क्यों मारा, फिर ये लोग पूछा करेंगे। कपूर शर्मा ठीक है, ये ऐसे कुछ कटु शब्द थे जो मैं हिंदी भाषा में अगर यहाँ नेशनल टीवी पे बोलूं तो शायद लोगों को अच्छा ना लगे। खैर प्रभु सर, मैं सिर्फ कह रही थी कि अगर आपको बाय एनी चांस मेरे टैलेंट पे डाउट है, अगर मेरे टैलेंट पे डाउट है तो आप मेरे साथ डांस करके देख लीजिए। No अगर doubt. मैंने आपसे खराब डांस किया तो तुरंत मुझे फिल्म ऑफर कर दीजिएगा। No doubt, you are good. आइए मेरे साथ एक डांस स्टेप करके तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप जो मर्जी कहो, गाना इसी में शूट किया है। लग रहा था कि इंजन आ रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और बाहुबली 3 में मेरा स्कोप लग रहा है ना आप लोगों को? आप ही का स्कोप है। ओके